चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने खर्च को सिर्फ 12% ही बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। देखो इसको हमने दो तरह से बताया था, एक तो सक्सेसिव निकाल के बताया था कि भाई मान के चलो कि एक तो 18% का वृद्धि हो रही है और दूसरा उसमें क्या हो रहा है 1% का, ठीक है, क्योंकि सेकेंड तुम्हें बताना नहीं है, बोला क्या है ना कितने का वृद्धि करनी होगी, तो मान लेते हैं एक्स का, तो 18 माइनस एक्स माइनस, क्योंकि देखो अब यहाँ पर क्या कर रहा है उसे खर्च में कमी करना पड़ रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस लिया था। अगर यहाँ पर बढ़ाना होता तो यहाँ से प्लस लेते, ठीक है, बात को यहाँ से समझो, एक 18 माइनस एक्स माइनस 18 इंटू एक्स बटे में 100, और एक किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए, बात क्लियर हुई। तो अब देखो यहाँ से करोगे, ठीक है, तो ऐसे कर लेते ना, 1800 हो जाएगा माइनस का 100x और ये हो जाएगा माइनस का 18x, देन ये हो जाएगा कितना 1200, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 118x इक्वल्स टू, बड़ा लिख देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छोटा छोटा लिखते हैं दिखाई नहीं देता, तो हो जाएगा कितना आपका 118x इक्वल्स टू, ये इसमें से माइनस करेंगे, देखो ये यहाँ पर तो ऑब्वियसली माइनस आएगा और ये वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 12 6 18 यानी 600, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 600 बटे में 118, कितना बार में जाएगा 11 5 55 और 8 5 40 ओन, यानी कि 5 बार में तो जाएगा ही जाएगा, कहने का मतलब ये कि ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, अगर मैं 5 बार में ले जाऊँ तो 40, ठीक है, 8 5 40 और 5 4 9 और ये 5 590 यानी 10 बचेगा ना, ये 100 नहीं जाएगा, यानी कि ठीक है भाई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 5.0 के करीब आना चाहिए और एक ही ऑप्शन आ रहा है मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, बाकी ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है भाई। और दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि भाई कह रहे 18% का क्या हो रहा है, वो इंक्रीज देखने के मिल रहा है प्राइस में, अगर प्राइस में 18% का इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है, इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ इधर या फिर इधर कर देता हूँ, ठीक है, अगर प्राइस में आपको 18% का इंक्रीज यानी कि कितना होता है भाई, 18% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9 बटे 50, यानी कहने का मतलब है कि प्राइस जो है 50 लेता ऑफ हो गया 59, देन क्या हो रहा है खपत जो है 12% वो बढ़ाना चाह रहा है, जानते हमने बताया कि जो प्राइस होता है कंजम्पशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने आपको बता के रखा है, तो 12% का मतलब ये हुआ भाई कि 3 बटे 25, यानी कि वो 25 से सिर्फ कितना बढ़ाना चाहता है 28 ही बढ़ाना चाहता है, हमने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस होता है ना, क्योंकि जो कंजम्पशन होता है प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हो जाएगा कितना 25 इंटू 59 और ये हो जाएगा 50 इंटू 28, ठीक है 50 इंटू 28। अब देखो यहाँ से भाई, यहाँ से मैं 25 को कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से 28 को कॉमन 50 को कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से 25 को कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा इसमें से कॉमन निकालूंगा तो 25 कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा जाएगा 2 28 56 और यहाँ पर 59, यानी कि 59 से क्या हो रहा है 56 हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा भाई आपका 3, यानी 75 बटे में कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 28 और इंटू 100, तो 25 75 या फिर ऐसे काट लेते हैं इसको, 50 2 का 100 दूसरे कटेगा कितने बार में 14 बार में, 14 5 70 14 5 70 और 5, कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, क्योंकि अगर यहाँ पर 44 42 5.3 आ जाएगा यहाँ पर, तो पर अप्रोक्स आपको आना चाहिए 5.1 का, क्योंकि यहाँ से देखो क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 5.0 और समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्स आपको 5.1 के बराबर आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट कैसे हो गया, अच्छा, हमने इसको यहाँ पर रख देना, हमको तो रखना है इस वैल्यू को यहाँ पर आएगी ना, क्योंकि हमें इसी से कंपेयर करना है, वही मैं सोचूँ क्यों गड़बड़ा रही है, देखो 25 इंटू क्या है 59 और देन ये हो जाएगा 100, तो 25 75 देन ये हो जाएगा कितना आपका 300 बटे में 59, और 300 बटे में 59 होगा तो कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, 9 5 45 5 25 और 4 29, यानी यहाँ पर भी 290 आएगा ना, यहाँ पर वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर आ रही है, क्योंकि 2 से काटोगे तो अगेन ये 59 होगा, ऊपर 300 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना होगा 5.1%, बात क्लियर हो गई आपको, तो आप इस वाले से भी जा सकते हो और इस वाले भी से भी जा सकते हो, ध्यान इसमें यही रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना वो आपको बटे में करनी है, यहाँ पर करनी है और इसमें तो आपको करना ही है भाई, यहाँ पर अगर बढ़ाना कहेगा कमी की जगह पर बढ़ाना करने का तो यहाँ पर प्लस कर देना है, बस सिंपल चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी,